और खबर रायपुर से आपको बता दें, खमतरा इलाके में दो मंजिला मकान गिरा है। पड़ोस में मकान निर्माण के लिए की जा रही थी खुदाई, पड़ोस में खुदाई के दौरान ढहा है दो मंजिला मकान। मीनू पेट्रोल पंप के पास की ये पूरी घटना है। पड़ोस में खुदाई के दौरान दो मंजिला मकान ढह गया है। खमतरा इलाके में दो मंजिला मकान गिरा है, आपको बता दें दो मंजिला मकान गिरा है खमतराई में। पड़ोस में मकान निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी, उस दौरान यह हादसा हुआ है। खमतरा इलाके में दो मंजिला मकान गिरा है, आपको बता दें। रायपुर से खबर, तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर भरभराकर मकान जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। आसपास लोग जो खड़े थे, अफरा तफरी का माहौल बन गया वहां पर। रायपुर की तस्वीरें हैं, खमतराई की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर दो मंजिला मकान भरभराकर गिरा है। पास में जो है खुदाई का काम चल रहा था, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और आसपास लोग भी बहुत सारे मौजूद थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से हलचल वहां पर मच गई और लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं वहां से। अधिक जानकारी के लिए हेमंत भाई से जुड़ गए। हेमंत, क्या कुछ पूरी जानकारी इस वक्त? देखिए रितु, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, ये जो पूरी घटना है वो खमतराई इलाके की है। अचानक दो मंजिला जो मकान है वो गिर गया और आशीष मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति का ये मकान था। उसने कितना पुराना मकान ये हेमंत था जो इस तरह से भरभराकर एकदम से गिर गया? देखिए ज्यादा पुराना इस मकान को नहीं बताया जा रहा है। आशीष मिश्रा नाम के व्यक्ति का ये पूरा मकान था। सुरेश केसवानी नाम के व्यक्ति को उसने किराए पर दे रखा था और सुरेश केसवानी वहाँ उस मकान पर होटल संचालित कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर गिरने की आशंका वहाँ पर हुई तो तमाम जो वहाँ पर कर्मचारी थे वो बाहर निकल आए थे और उसके बाद अचानक वो बिल्डिंग गिर गई थी। बिल्डिंग गिरने से हालांकि कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन बगल में ही टाइल्स की दुकान थी और उसमें क्षतिग्रस्त हुई है और काफी नुकसान हुआ है। हालांकि पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जो जिस मकान को जिस बिल्डर ने बनाया था उसकी भी यह पुख्ताशाजी यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया हेमंत। इंदौर के